हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं झनक की अपडेट के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। जी हाँ, जैसा कि सभी को एक्सपेक्टेड था कि अनिरुद्ध जो है वो इतनी आसानी से तो झनक की बात पे एग्री नहीं करेगा, मतलब वो उसके बच्चे को नहीं अपनाएगा, मतलब वो ये नहीं बताएगा कि हाँ ये उसका बच्चा है, क्योंकि उसे कुछ अभी फ़िलहाल के लिए याद नहीं है। तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा और झनक पे ही आरोप उल्टा लगेगा कि मतलब वही ख़राब लड़की है, इस टाइप की लड़की है कि वो मतलब अब वो आदित्य का बच्चा उसके सर मर रही है, तो इस टाइप की चीज़ें आएंगी। हालांकि अर्शी को कहीं ना कहीं ये लगता है कि जरूर झनक की बात में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सच्चाई है। ये तो हर कोई ये जानता है बहुत अच्छे से कि झनक जो है वो गलत बात कभी नहीं कहती है, सही बात पे ही स्टैंड लेती है। हालांकि भले माने जाए ना माने, सभी को अंदर ही अंदर ये पता है। और धीरे से आप लोगों को एक बात बता दूँ कि अनिरुद्ध को अभी तुरंत जो ये शौक लगा है ना, तो उसको टाइम लगेगा इस चीज़ को मतलब नॉर्मलाइज करने के लिए। तब उसके दिमाग में ये बात चलेगी और बार बार राउंड होगी, घूमेगी, और फिर वो जब जोर डालेगा दिमाग पे तो उसे ये समझ में आएगा कि एक्चुअल में जो झनक कह रही है वो सही कह रही है। तो इसमें टाइम भले लगेगा, कुछ टाइम लगेगा, ये ऑब्वियसली सीरियल है, चीज़ें मतलब जब तक एकदम ऊपर हाई पे मतलब बहुत ज़्यादा इन लोग क्रिएट कर देंगे हाइक, और उसके बाद चीज़ें शॉर्ट आउट होती हुई दिखेंगी। तो इसमें मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा कि अनिरुद्ध को धीरे धीरे रियलाइज़ होगा, उसको याद आ जाएगा कि उसको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में झनक जो है वो सही कह रही है, और फिर जाके वो झनक की बात पे एग्री करता हुआ नज़र आएगा। और मैं आप लोग को बता दूं कि हाँ ठीक है, इसके लिए झनक जो है वो काफ़ी मेहनत करती हुई नज़र आएगी, और वो एकदम स्ट्रांगली अपने आप को मतलब बचाते हुए इन लोगों से और अपनी बात को रखते हुए नज़र आएगी, एक स्ट्रांग लड़की के रूप में नज़र आएगी, जैसा कि अभी तक घर में नहीं हुआ था कि वो अपनी बातों को स्ट्रांगली सबके सामने रखती हो। तो ये चीज़ें हमें एक मतलब झनक में अलग टाइप का देखने को मिलेगा। कितना एक्साइटेड है आप ये सब कुछ देखने के लिए, जरूर मुझे बताइएगा कमेंट करके। और आपको क्या लगता है कि अनिरुद्ध एक्सेप्ट कर लेगा या फिर आदित्य के पास वापस जाएगी झनक। चलिए अगली वीडियो में बात करेंगे इस बारे में। तब तक के लिए इतना ही, अब तक के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में जब बात करेंगे तब तक आप भी सोच के बताइए कि क्या आदित्य के पास वापस जाना चाहिए या फिर अनिरुद्ध जो है उसी के साथ झनक की जोड़ी बननी चाहिए। चलिए मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।